सर मैं एक्टिंग का शौक रखता हूँ सर। अच्छा, तो सर बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि जितने भी एक्टर्स डायरेक्टर्स के पास जाते हैं तो डायरेक्टर उनमें क्या देखते हैं? देखिए, ये एक गलत फहमी होती है जब लोग कहते हैं कि सिर्फ लुक्स देखते हैं या हाइट या पर्सनैलिटी, ऐसा कुछ नहीं होता है। इवेंचुअली एक एक्स फैक्टर होता है एक्टर में जो साफ कैमरा पे नजर आता है। कभी कभी आप कुछ एक्टर्स को देखोगे तो जब कैमरा के बाहर खड़े होते हैं तो शायद उनमें वो पर्सनैलिटी और वो डायनामिज्म नहीं है, लेकिन कैमरा के आगे वो छा जाते हैं, वो एकदम स्टार्स बन जाते हैं। और मेरे करियर में मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं जो सितारे मेरे सामने खड़े हैं और मुझे लग रहा है कि ये क्या स्टार बनेगी या बनेगा, लेकिन जब उनका मैंने ऑडिशन देखा है और जब मैंने उनको परफॉर्म करते हुए देखा है तब मुझे लगता है कि इसमें तो स्टारडम है, सुपर स्टारडम है। और आई वॉन्ट टू टेल यू कि मुझसे ये भी गलती हुई है कि मैंने कभी किसी को फेस वैल्यू पे लिया है एंड आई वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मुझे अभी भी याद है, मैं यशराज फिल्म्स के कैंटीन में बैठा हुआ था और आदित्य चोपड़ा जो थे उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ बैंड बाजा बारात, तो उसमें एक नए लड़के को मैं ले रहा हूँ। तो मैंने कहा कहाँ है वो लड़का? इसे वो वहाँ टेबल टेनिस खेल रहा है। तो एक पीली टी शर्ट में कोई बहुत ही अच्छा गुड लुकिंग बॉय था, तो ऐसे वेरी गुड वेरी गुड। इसे नहीं, वो नहीं, उसके सामने जो लाल टी शर्ट पहन के खेल रहा तो ऐसे And I looked at him, I said, ये कैसे एक्टर बन सकता है? ऐसे तुम पागल हो गए हो? ऐसे तुम क्यों अपनी फिल्म को डुबा रहे हो? ये बिल्कुल इसमें कोई स्टारडम वाली बात नहीं है। इसे तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ऑडिशन दिखाता हूँ। तो मुझे उसने अपने एविड रूम में वो ले गया, एडिटिंग रूम में ले गया मुझे वो आदि, और मैंने रणवीर सिंह की पहली ऑडिशन देखी फॉर बैंड बाजा बारात। और वाकई मैं कह रहा हूँ दानिश, मैं दंग रह गया। जो मैंने देखा था टेबल टेनिस के टेबल पे वो कुछ नहीं था। When I saw the audition, I realized ये superstar नहीं, ये super duper star बनेगा। क्योंकि उसके audition में वो बात थी। मैं एक छोटी सी और कहानी बताना चाहूंगा आपको। मैं 15 साल का था, मैं एक टीवी सीरियल करने की ऑडिशन के गया था। आनंद महेंद्रू की सीरियल थी इंद्रधनुष। उस सीरियल में मैं था, आई वॉज प्लेइंग अ कैरेक्टर जिसका नाम था डोडो। और वहां आनंद महेंद्रू जी का इंतजार हम कर रहे थे। मेरे बिल्कुल ऑपोजिट एक इंसान बैठे हुए थे, बहुत चाय पी रहे थे वो और क्रॉसवर्ड कर रहे थे। तो मैंने देखा कि ये कौन है, मुझे कुछ यू नो आई फेल्ट मैंने कहीं देखा होगा इनको, मैं पहचान नहीं पाया। आनंद महेंद्रू जी निकले कुछ 2 या 3 घंटे बाद और वो उनकी तरफ गए और उन्होंने कहा कि सॉरी मैंने आपको वेट कराया, मैं कुछ एडिटिंग कर रहा था। इसे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बस यही कहने आया था कि मैं एक्चुअली सीरियल्स करना नहीं चाहता, मैं फिल्में करना चाहता हूँ। तो इसे तुम इतना इंतजार क्यों किया तुमने? तो इसे क्योंकि मुझे आपके ऑफिस की चाय बहुत अच्छी लगती थी और मुझे आपका अपना क्रॉसवर्ड खत्म करना था। ये चले गए ये जनाब जो थे। तो आनंद महेंद्रू जी अंदर आए कमरे के अंदर, उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने उसे पहचाना, उसका नाम शाहरुख खान है, उसने एक सीरियल किया है फौजी। अच्छा अच्छा, तब मुझे पहली बार मेरी मुलाकात शाहरुख खान से ऐसे हुई। और तब भी मैंने उस टाइम भी सोचा कि ये क्या स्टार बनेंगे। और फिर आप सबको पता है कि किस किस्म के स्टार बने। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट शाहरुख खान। दानिश की परफॉर्मेंस पर स्कोर दे दीजिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।